हेलो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही इस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी मंथली पी और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पी चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको बता दें इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पी डी है वो हम आपको एक साल तक प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका एग्जाम हो बैंकिंग एसएससी, एस सी रेलवे ऑफ स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की हमेशा की तरह सबसे पहले आज से क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है विच फ्रीडम फाइटर सेट स्वराज इज माई बर्थ राइट किस स्वतंत्रता सेना ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऑप्शंस देख लेते हैं भगत सिंह लाला लाजपत राय लोकमान्य तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस तो जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित स्ट्रेटजी के संबंधित तो हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है वी सिटी होस्टेड द उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचरल फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग किस शहर ने उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन महोत्सव की मेजबानी की है ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है भोपाल आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में दो फेस्टिवल्स को इनोग्रेट किया है इनमें से एक है उन्मेषा जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है दूसरा है उत्कर्ष जो कि फेस्टिवल ऑफ़ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग है इस मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहे आपको जाना चाहिए कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड संगीत नाटक एकेडमी एंड साहित्य एकेडमी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन दोनों ही फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तीन से पांच अगस्त के बीच में विच कंपनी लॉन्स इंडिया फर्स्ट डेवलप्ड अफोर्डेबल लाइट वेट फील्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेस इमेजिंग एम स्कैनर कौन सी कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है प्राइवेट लिमिटेड आपको जानना चाहिए कि नई दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियन डेवलप्ड अफोर्डेबल लाइट वेट अल्ट्राफास्ट हाई फील्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एम स्कैनर लॉन्च किया है इस स्कैनर को नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत वॉक्सल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है और जो भी हमारे देश की अनमेट नीड है उसको ये सोल्व कर सकता है विच कंपनी हैंडेड ओवर द रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश टू डी किस कंपनी ने आकाश की रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को डी को सौंप दिया है ऑप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बी आपको जानना चाहिए हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड बी इसने फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश द नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम को डीआरडी को सौंप दिया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया है आपको बता दें इस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को बी की जो स्टेट ऑफ द आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर है यहाँ पर डेवलप किया गया है आपको जानना चाहिए सीकर क्या होता है सीकर एक क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सब सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड एयर टू एयर मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है इसकी सहायता से जो टारगेट ट्रैक होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है आपको बता दें इस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को डिज़ाइन किया गया है डी के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा और इसको प्रोड्यूस किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बी के द्वारा कहाँ पर जो बी की सीकर फैसिलिटी सेंटर है यूनिट इन हैदराबाद इस जगह पर नेम ऑफ द रेर दॉ वाय सी आर टी इन रिसेंटली उस रैनसम का नाम क्या है जिसके बारे में सी आर टी इन ने हाल ही में चेतावनी दी है ऑप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है अकीरा आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सी आर टी इन इसने एक वार्निंग इशू की है अकीरा रैनसम के बारे में और बताया कि एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि विंडोज़ और लाइन डिवाइसेस दोनों को ही टारगेट कर रहा है रैनसम आप सभी जानते हैं एक तरह का मालवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर डेटा को हाईचेक कर लेता है और उसको रिस्टोर करने के बदले में आपसे पेमेंट मांगता है ज़्यादातर बिटकॉइंस में तो ये अकीरा रैनसम क्या है इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट पॉज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू डेटा सिक्योरिटी इट टारगेट्स बोथ विंडोज एंड लाइन एक्स डिवाइसेज इनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग अ रैनसम फॉर डिक्रिप्शन रैनसम का मतलब ये होता है कि पैसे मांगना किसी काम को किसी काम के बदले है ना किसी का गलत काम के बदले जैसे किसी को किडनैप कर लिया उसके बदले में पैसे मांगना उसको भी रैनसम बोलते हैं अकीला रैनसमवेर इज डिज़ाइन टू इनक्रिप्ट डेटा डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है यानी कि एक तरह का कोडिफाई उसको कर देता है क्रिएटर रैनसमवेर नोट एक नोट लिख देता है कि यदि आपको ये वापस चाहिए अपना डेटा तो इतना पे कीजिए एंड डिलीट विंडोज शेडो और वॉल्यूम कॉपीज ऑन अफेक्टेड डिवाइसेज

देखिए पॉलिश प्लेयर यानी कि पोलैंड की, की टेनिस प्लेयर हैं ईगा सियाटक इन्होंने डब्ल्यू टी ए पोलैंड ट्वेंटी टाइटल जीत लिया है जो कि वर्सो जो कि पोलैंड की कैपिटल है यहाँ पर खेला गया है इन्होंने जर्मन प्लेयर लॉरा सिगमेंट को हारा है वहीं अगर हम डबल्स टाइटल की बात करें तो हीदर वाटसन जो कि ब्रिटेन की, की हैं और यनीना विकमेयर जो कि बेल्जियम की हैं इन्होंने डबल्स टाइटल जीता है और इन्होंने पोलैंड की जो खिलाड़ी रही वेरोनिका फाल्गोफ का एंड कैटरिजना पीटर इनको हराया है वेयर आर बोथ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स द नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड बेस्ड द आर बी आई द स्कीम ऑफ अमेल कमीशन फॉर दीज बैंक नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड और राजधानी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है आर बी आई ने हाल ही में इन बैंकों के लिए समामेलन योजना को मंजूरी दी है ऑप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इन दो कोपरेटिव अर्बन बैंक के लिए जो स्कीम ऑफ एमलगमेशन है इसको मंजूरी दी है ये दो बैंक हैं नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और दूसरा है राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ये दोनों ही कोऑपरेटिव बैंक्स का जो हेड क्वार्टर्स है ये हैदराबाद तेलंगाना में है

निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक मंच के निर्माण की घोषणा की है सही आंसर ऑप्शन डी है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देखिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि सी ए आई टी इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम तैयार किया है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है जो ट्रेडर्स हैं जो कंज्यूमर्स हैं और जो भी अदर सेक्शंस से हैं सोसाइटीज़ के उनके जो राइट्स हैं उनको एक फोरम में रखना और जो डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी है इसको बूस्ट करना इस तरह की पॉलिसी लाना द फोरम एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिजिटल रेगुलेशन एंड हेल्प इट कैपेसिटीज ऑफ सिटीजन टू एंगेज विद इनोवेशन एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल आपको बता दें जो ये सी ए आई टी है ये चौबीस पच्चीस अगस्त को एक नेशनल ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में विच कंट्रीज will participate in exercise Falcon Shield 2023. Exercise Falcon Shield 2023 में कौन से देश भाग लेंगे सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना एंड यू ए आपको जानना चाहिए कि चाइना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात इन्होंने एक एनुअल प्लान लॉन्च किया है और उसमें जिक्र किया है फाल्कन शील्ड 2023 ट्वेंटी थ्री जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का जो कि चाइनीज एंड यू एयरफोर्सेज के बीच में होगी अगस्त के महीने में चाइना के सिंजियांग रीजन में तो पहली बार है जब चाइना और यूए के बीच में इस तरह की कोई एयरफोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही है किस सार्वजनिक उपक्रम ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एलिमको के साथ एक समझौता ज्ञापन कि हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन सी एन एच पी सी आपको जानना चाहिए एनएचपीसी लिमिटेड और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एन को इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत एन अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सी इनिशिएटिव के तहत जो भी दिव्यांगजन हैं खास करके जो 1000 थाउजेंड दिव्यांगजन हैं दिव्यांगजन मतलब जो डिसेबल पीपल हैं उनको सहायता देगी और जो असिस्टिव डिवाइसेस होती है वो प्रोवाइड कराएगी ठीक है जो एन के प्रोजेक्ट हैं उनके आसपास की जो लोकेशन है वहां पर कहा पर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस में बाकी आप जानते हैं एनएचपीसी कैटेगरी वन एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसका कीडक्वार्ट फरीदाबाद हरियाणा में है राजीव कुमार विष्णु इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वट वॉज द वैल्यू ऑफ द टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन इन जुलाई ट्वेंटी जुलाई 2023 में यूपीआई लेनदेन का मूल्य कितना रहा सही आंसर ऑप्शन डी है 15.34 लाख करोड़ रुपीस आपको जाना चाहिए यू यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के तहत जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जुलाई दो के महीने में और ये रिकॉर्ड हाई ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलें चाहे वॉल्यूम वाइज़ देखें चाहे वैल्यू वाइज हम देखें क्योंकि जून के महीने में थोड़ा डिप देखने के लिए मिला था जो यूपीआई पी हुई हैं उनमें तो अब यहाँ पर डिप के बदले अब राइज हुआ है जुलाई 2023 के महीने में तो टोटल यू पी जो हुई हैं जुलाई के महीने में ये 15.34 लाख करोड़ रुपीज़ की हुई है अगर हम मंथ बेसिस पर देखें तो पिछले मंथ से चार प्रतिशत ज़्यादा है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो चवालीस प्रतिशत ज़्यादा है यानी कि जुलाई दो से कंपेयर करें तो चवालीस ज़्यादा है जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई हैं ये नौ सौ करोड़ हुई हैं ऊपर तो वैल्यू हो गई कितने रुपए की हुई है पंद्रह दशमलव तीन चार लाख करोड़ रुपए की और ये नौ सौ छियानवे क्या है ट्रां CMC... नौ सौ छियानवे करोड़ क्या है ट्रांजेक्शन्स के नंबर हैं ठीक है प्रीवियस मंथ से 6.6 परसेंट हाई है और जुलाई दो से कंपेयर करें तो फिफ्टी हाई है ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन के डेटा ने बताया है आपको जानना चाहिए यू पी ट्रांजेक्शन में जो ग्रोथ है ये फोर्टी परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी गई है और वॉल्यूम वाइज देखी गई है फिफ्टी परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर डेवलप्ड एन एप्लीकेशन मासी यानी कि मासी मॉनिटरिंग ऐप वट डस मासी स्टैंड फॉर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने एक एप्लीकेशन मासी मॉनिटरिंग ऐप विकसित किया है मासी का अर्थ क्या है सही आंसर ऑप्शन बी है आ, सही आंसर ऑप्शन माफ कीजिएगा इसमें ये ऑप्शन तो बी है लेकिन ऑप्शन बी आप करेक्ट कर लीजिएगा ये मोबाइल ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शन लिखा है ना ये मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शन है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है इसको करेक्ट लिख लीजिएगा माफी चाहूँगा आपसे देखिए ठीक है आंसर में तो सही लिखा है आंसर भी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन लेकिन ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है मोबाइल लिखा हुआ मोबाइल के बदले आएगा मॉनिटरिंग देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एन इन्होंने एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है एम ए एस आई एम मासी यानी कि मोनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन तो इसका मकसद क्या रहेगा जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं सी सी आईज ठीक है उनकी रियल टाइम मोनीटरिंग करना और उनके लिए जो इंस्पेक्शन मेकनिज़्म है उसको डेवलप करना आपको बता दें जो ये मेकनिज़म है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशनस के इंस्पेक्शन का इसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ट्वेंटी फिफ्टीन में मैंशन किया गया है जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं इनका इंस्पेक्शन करना जरूरी है इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग ज़रूरी है इसीलिए ये ऐप लॉन्च की गई है तो ये जो ऐप है ये मॉनिटरिंग पोर्टल से लिंक की गई है जहाँ पर कि ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं ये जो मासी ऐप है इसके द्वारा अब जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं स्टेट इंस्पेक्शन कमिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमिटीज़ हैं मेंबर्स ऑफ जुवेनल जस्टिस बोर्ड्स हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं तो ये सभी अब इंस्पेक्शन जो है कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू इट्सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल द सी यानी कि चाइल्ड केयर इंस्पेक्शंस अक्रॉस द कंट्री बाय एनी ऑफ द अबो स्टेट अथॉरिटीज जिन भी स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर आप मैंने आपको बात नाम लिए हैं तो ये सभी यहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए रेगुलर फॉलोअप इज़ डन बिफोर एंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ साइकिल ऑफ इंस्पेक्शन The complete reports are automatically generated on the portal as soon as the questionnaire is filled and submitted by the authority. Which bank has raised rupees 10,000 crore at a coupon rate of 7.54% through its infrastructure bond issuance? किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने के माध्यम से 754 प्रतिशत की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन A. SBI. आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने 754 प्रतिशत के कूपन रेट के हिसाब से अपने थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू को जारी करके 10000 जार करोड़ रुपए जुटाए हैं और इनका टेन्योर 15 इयर्स का रहने वाला है पिछले महीने की बात है जब हमने देखा था कि SBI ने 3101 करोड़ रुपए जुटाए हैं टियर वन बॉन्ड्स के माध्यम से 8.10% के कूपन रेट पर व्हिच एजेंसी हैज रिलीज 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस एजेंसी ने 2023 तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी की है सही आंसर ऑप्शन डी है अर्थ एक्शन आपको जाना चाहिए जुलाई 28 2023 का जो दिन रहा ये अर्थ के लिए फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे रहा है तो ये ओवरशूट डे क्या हो गया प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होगा ये मतलब ऐसा पॉइंट ऐसा टाइम जब जो हम अमाउंट है ऑफ प्लास्टिक है यानी कि जो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक की जो संख्या कह सकते हैं आप या वॉल्यूम कह सकते हैं वो किससे ज़्यादा हो गया है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से जितनी हमारी कैपेसिटी है वेस्ट मैनेजमेंट की उससे ज़्यादा अब हमारा प्लास्टिक हो गया है तो उसको बोला गया है प्लास्टिक ओवरशूट डे तो ये 28 जुलाई 2023 को पहली बार हुआ है ऐसा बताया है स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म अर्थ एक्शन के द्वारा तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ट्वेंटी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट इसमें भी बताया गया कि इस साल के अंत तक हम जो हैं छः करोड़ छियासी लाख बैलीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे टनस ऑफ एडिशनल प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट जो है इस धरती पर एडप करेंगे आपको बता दें बारह कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड में जो मिसमेज प्लास्टिक वेस्ट है उसमें फिफ्टी टू परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है और उसमें भारत भी है भारत है चाइना है ब्राज़ील है इंडोनेशिया है थाईलैंड है रशिया है ये सभी कंट्रीज़ में शामिल हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका जो है मैनेजमेंट सही नहीं है ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक पर पर्सन पर ईयर इज 20.9 पॉइंट ओवरशूट डे फॉर इंडिया देखिए तो अभी पूरे अर्थ का हमने ओवरशूट डे देखा 28 जुलाई को लेकिन भारत में ओवरशूट डे पहले ही हो चुका है यानी कि जब प्लास्टिक की मात्रा हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा गई है ये हम पहले देख चुके हैं छः जनवरी दो को यह भारत में हुआ था ओवरशूट डे प्लास्टिक ओवरशूट डे इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कंट्रीज मिसमैनेजड वेस्ट इंडेक्स तो कंट्री का जो मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स है उसके हिसाब से प्लास्टिक ओवर शूट डे को डिटरमाइन किया जाता है आपको बता दें जो ये मिसमैनेजड वेस्ट इंडेक्स है इसका मतलब क्या है वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक कंजम्पशन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं तीन कंट्रीज मोजाम्बिक नाइजीरिया एंड कन्या यहाँ पे हाईएस्ट मिसमैनेज वेस्ट है और चौथे नंबर पर अपना भारत है ठीक है इंडिया चौथे नंबर पर है मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स में विद विच कंपनी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डिजिटी कोलेबरेटिंग टू अप स्किल स्टूडेंट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा एनोटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा एनोटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में छात्रों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय किस कंपनी के साथ सहयोग कर रहा है सही आंसर ऑप्शन डी है एमजोन वेब सर्विसेज आपको जानना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रन्यरशिप के तहत अमेजोन वेब सर्विसेज इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा इनोटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में अपस्किल किया जा सके ये इनिशिएटिव जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उन इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेडिंग जे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं ठीक है उन सभी स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल किया जाएगा तो लगभग पंद्रह हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड तैतीस नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत ये कोर्स चला जाएगा हु द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है सही आंसर ऑप्शन ए है मेजर जनरल अमिता रानी देखिए मेजर जनरल अमिता रानी इन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपनी अपॉइंटमेंट ली है जो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी अट्ठारह में विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलेब्रेटेड विद द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए आई एफ एफ फॉर द प्रमोशन ऑफ फुटबॉल एट द क्रास रूट लेवल ज़मीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ सहयोग किया है सही आंसर ऑप्शन डी है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी आपको जानना चाहिए पहली बार सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए के साथ कोलेबरेट किया है ताकि देश में जो फुटबॉल है उसको ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट किया जा सके सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता आ रहा है साल उन्नीस सौ साठ से ही आप सभी ने सुना होगा एग्जाम में पूछा भी आता है सुब्रतो कप किससे संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है ठीक है तो इसमें एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी रोल रहता है सुब्रतो कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो एक यूनिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जहाँ पर स्कूल टीम्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जैसे सब जूनियर बॉयज अंडर फोरटीन जूनियर बॉयज अंडर सेवनटीन एंड जूनियर गर्ल्स अंडर सेवनटीन वट इज द थीम ऑफ एविएशन सेफ्टी कल्चर वीक टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम थर्टी फर्स्ट जुलाई टू फिफ्थ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इकतीस जुलाई से पाँच अगस्त दो हजार तेईस तक मनाए जाने वाले विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह का विषय क्या है सही आंसर ऑप्शन सी है सी इट से इट सिक्योर इट आपको जानना चाहिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि बी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है इन्होंने एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक को इनोग्रेट किया है अपने हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली में जो कि पाँच अगस्त तक चलने वाला है आपको बता दें इस एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का थीम रहेगा सी इट से इट सिक्योर इट बाकी आपको जानना चाहिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बी सी के डायरेक्टर जनरल हैं जुलफ़िकार हसन प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे वैन इज द वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑबसर्ड ऑगस्ट फर्स्ट द क्वीन्स पार्क ऑफ ऑलिसाइ स्पोर्ट्स स्टेडियम इन विच कंट्री आंसर इज एंड टोबैको पोर्ट ऑफ स्पेन सिटी में है वैन इज द वर्ल्ड वाइड वेब डे मुस्लिम व्यूमेंस राइट्स डे ऑब्सर्ड आंसर इज फर्स्ट ऑगस्ट हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर आंसर इज डॉक्टर एन कलाइसेलवी हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियान फॉर द थ्री मैच टी ट्वेंटी सीरीज अगेंस्ट आई लैंड इज बुमरा और आपने से कही स्टूडेंट से है इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए चलिए आज के सामने देखते रहे हाउ मैनी आई एम्स आर देयर इन इंडिया द काशी डी क्राफ्ट जी आई टैक फर्स्ट वेर इज द्राफ्ट फ्रोम इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय वायुश्री योजना विच बैंक होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ के बी एल फिन वन अफ इन टैक पार्टनरशिप इवेंट इन बेंगलुरु विच कंट्रीज फॉर्मर कैप्टन डी एगो कॉर्डिंग एनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल इन पाँचों क्वेश्चन के आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ज्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेज दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एस के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा थैंक यू वाइज